हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी कैसे बढ़ाते हैं और इसके लिए टॉप के सरकारी बैंकों में क्या चार्जेस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाना होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट में राइट कॉर्नर पर जो डेट पड़ी होती है, उस डेट से 3 महीनों के अंदर डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट करना होता है। अगर 3 महीने बीत जाने के बाद भी डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट ना किया जाए, तो अब डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट करने से पहले उसकी डेट को बढ़ाना पड़ता है, वरना डिमांड ड्राफ्ट बाउंस हो जाएगा। इसी डेट बढ़ाने को डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाना कहते हैं, क्योंकि अब जो नई डेट मिलेगी डिमांड ड्राफ्ट में, उससे वो फिर से 3 महीनों के लिए वैलिड हो जाता है। आइए आप जानते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी कैसे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके बैंक को देना होगा। अब बैंक आपके डिमांड ड्राफ्ट में ही राइट कॉर्नर पर लिखी हुई डेट को काट कर उस पर एक नई डेट डाल देगी, जिसे वो अपने सिस्टम पर भी चढ़ा लेगी, जिससे डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट आपको नया नहीं मिलेगा, इसी पुराने डिमांड ड्राफ्ट पे ही राइट कॉर्नर में जो डेट लिखी है उसे काटेगी बैंक और वहाँ पे पेन से एक नई डेट लिख देगी। आइए आप जानते हैं कि टॉप सरकारी बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाने में क्या चार्ज लगता है। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊँगा उस पर GST अलग से लगेगा, जो 18% है। SBI और BOB में डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाने पर कोई चार्ज नहीं है। PNB में डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी बढ़ाने का चार्ज ₹150 है। बैंक ऑफ इंडिया में डिमांड ड्राफ्ट की धनराशि अगर ₹500 से कम है तो वैलिडिटी बढ़ाने पर ₹20 का चार्ज लगता है, और अगर धनराशि ₹500 से ज़्यादा है तो वैलिडिटी बढ़ाने का चार्ज ₹100 लगता है। यूनियन बैंक में डिमांड ड्राफ्ट वैलिडिटी बढ़ाने का चार्ज ₹150 है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी कैसे बढ़ाते हैं और इसके लिए टॉप के सरकारी बैंकों में क्या चार्जेज हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।